तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा दसवीं का अध्याय एक, जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के समझते हैं आज के इस वीडियो में हम पूरा अध्याय एक क्लियर करने वाले हैं, जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पूरा का पूरा अध्याय एनसीईआरटी कक्षा दसवीं विज्ञान का जो है आज इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि आपका एनसीईआरटी अध्याय कक्षा दसवीं का जो अध्याय एक है, जिसका कि नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले अगर इस पार्ट की बात की जाए तो ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सभी बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछी जाता है, चाहे आपकी एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो। तो इसलिए जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं, इन सभी चीज़ों को जरूर नोट कर लेंगे। जैसे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें और ये इसका उत्तर है। क्या उत्तर है दोस्तों? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, उसका भी ये उत्तर है। आप यहाँ से इसको आसानी से याद कर सकते हो। और इसी के अलावा एक और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल याद कर लें, जैसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इस पार्ट का ये, इसको आप बिल्कुल याद कर लें। क्या दिया गया है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल याद कर लें, ये बराबर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो आप जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से इस चीज़ को नोट जरूर कर लेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा यहाँ पर लिखा गया है इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लें, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इस पार्ट का ये। और इसी के अलावा अगर आगे देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जाता है। प्रश्न क्या लिखा है? अभिकारक किसे कहते हैं? इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन इस पार्ट का ये, आप इसको जरूर याद करें। और उसी के नीचे अगला क्वेश्चन लिखा है, उत्पाद किसे कहते हैं? तो दोस्तों, उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? आप इसको भी यहाँ से याद कर ले, अच्छे से बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और इसी पार्ट का एक और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लें यहाँ से। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं क्योंकि ये उनमें जंग लगने से रोकता है। पेंट करने पर नमी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये सुधार लेना है, यहाँ पर मिसटाइपिंग हुई है। पेंट करने पर नमी और वायु से लोहे का संपर्क टूट जाता है और इस प्रकार लोहे पर जंग नहीं लगती है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और इसका उत्तर भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप पूरा इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और कुछ हिस्सा इसका ये यहाँ पर दिया गया है। और इसी के अलावा वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो ये वाला भी थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको भी सुधार लें। तो ये पूरा क्वेश्चन है। और इसी के अलावा और कुछ आईएमपी क्वेश्चन अगर इस पार्ट के होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि समय की पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए मैं इसको कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, ताकि आप वीडियो में बोर भी ना हो और आप सारी चीज़ों को अच्छे से नोट भी कर लें। और इस जो पार्ट है ये वाला, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा जाता है, निम्न पदों का वर्णन तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। जैसे कि संचारण किसे कहते हैं? तो संचारण क्या होता है दोस्तों? जंग लगने को संचारण कहते हैं। और विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, विकृत गंधिता ये होती है, अक्सर जब भी हम घर पर खाना बनाती है
आपकी मम्मी या जब भी खाना अपने घर पे बनता है तो खाना तो ठीक है, पर जो सब्ज़ी होती है वो कुछ समय बाद ख़राब हो जाती है। जैसे कि सुबह की अगर सब्ज़ी बनी है तो शाम तक ख़राब हो जाती है। आपकी लोकल भाषा में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उसे ही विज्ञान की भाषा में विकृत गंधिता कहा जाता है। कई कई जगह पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो आपकी लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं वो भी आप बताइएगा। यानी कि सब्ज़ी का ख़राब होना या खाने का ख़राब होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा अध्याय एक, जो कि NCERT विज्ञान कक्षा 10वीं का था, जो कि मैंने आप सभी को पूरा बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन इसके और पूरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।